नमस्कार गुरुजनों, मेरा नाम शशिभूषण कुमार और आज हम स्ट्रेट फॉरवर्ड की तरफ से दिए गए 500 से अधिक क्वेश्चनों का जो सेट पहला सेट दिया गया है उसके कुछ प्रश्नों के जैसे कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं उसी पहले सेट के बारे में जो स्टार्ट होता है 101 नंबर क्वेश्चन से। सो 101 नंबर क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है जो बायोलॉजी से संबंधित है वो कहता क्या है कि उसके अनुसार पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी उम्र भर बढ़ती रहती है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर का विकल्प नंबर होगा 2, गिलहरी। क्योंकि गिलहरी के अंदर जो दांत होती है, गिलहरी या खरगोश इस तरह के जो जानवर होते हैं उनके जो आगे वाली दांत होती है जिनको हम इंसीजर या कृंतक कहते हैं, उनकी जो दांत होती है वो मुख्य रूप से क्या होता है, कृंतक होता है। जैसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। तो ये इंसीजर जो होते हैं वो उम्र भर क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। जिससे वो क्या करते हैं कि वो जो कोई भी ठोस पदार्थ को वो खाने में वो समर्थ हो पाते हैं। तो इसका उत्तर हमने देखा क्या, इसका उत्तर है ऑप्शन संख्या 2। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। तो पहला दे रखा है क्या कि केवल रानी मक्खी अंडे देती है, कुछ नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं और सभी कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3। 102 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा विकल्प संख्या 3, जिसमें दे रखा है ए, बी और डी। ए क्या है कि केवल जो रानी मक्खी है, जो क्वीन बी है, वही सिर्फ अंडे देती है। बी क्या है कि मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल ऑन वर्कर, मेल जो वी है जिसे ड्रोन भी कहा जाता है उनका कोई स्पेशल रोल नहीं है, और सभी जो फीमेल यानी कि मादा मक्खी हैं वो अंडे देती हैं। इनमें से जो उत्तर सही है वो है ए, बी एंड डी। तो क्वेश्चन नंबर आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज 1902 ईस्वी में दी गई थी, किसके कारण दी गई थी। तो उसका उत्तर होगा 105 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है विकल्प संख्या 2, क्योंकि जो रोनाल्ड रॉस थे वो उस समय ब्रिटिश आर्मी के इंडिया में ही वो डॉक्टर थे। उन्होंने मलेरिया के ट्रांसमिशन जो कि फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो के द्वारा फीमेल या मादा एनाफिलीज मस्क्यूटो मच्छर के द्वारा मलेरिया कैसे एक संक्रमित से दूसरे सामान्य लोगों में वो उनका संक्रमण होता है इसके बारे में उन्होंने खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर पे दे रखा है क्या कि सिंकोना प्लांट के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो 106 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा 106 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा 2, जिसमें हम क्या कहते हैं सिंकोना ट्री के छाल का यानी कि बार्क का उपयोग हम लोग एक क्विनी नाम का एक दवा है मलेरिया का ठीक करने का, तो इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं क्विनीन के बार्क यानी कि छाल का। क्वेश्चन नंबर दूसरा के हम आते हैं आगे 107 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 107 में कहा गया कि इनमें से पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है। तो सांप के जहरीले दांतों को हम लोग फंग्स कहते हैं या उसको कहते हैं कि विषदंत। इसी विषदंत या फंग्स के कारण क्या होता है कि ये सांप किसी भी जंतु को वो काट सकता है और उसके द्वारा उसके विष उसके अंदर किसी जंतु के अंदर वो डाल सकता है।
जिससे क्या होता है कि विष का जहरीला असर उसके ऊपर हो सकता है, तो वो फैंग या फिर विषदंत के कारण हो पाता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है क्या कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो इसका उत्तर है भारतीय शैल अजगर या इंडियन रॉक पाइथन, ऑप्शन संख्या 3। जो इंडियन रॉक पाइथन है, कोई भी पाइथन या अजगर सांप होता है उसमें कोई जहर नहीं होती है। अजगर किसी भी जंतु को सीधा ही वो निगल लेता है या फिर उसके पहले उसको चारों तरफ से लपेट के उसके हड्डियों को तोड़ता है, फिर वो उसको सीधा वो निगल लेता है। तो इसलिए पाइथन के अंदर या अजगर के अंदर कोई भी विष नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 109, जिसमें दे रखा है वर्मी कंपोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कंपोस्टिंग दैट यूजेज। तो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए हम लोग जो विधि यूज करते हैं, जो हम जंतुओं का जो यूज़ करते हैं, जिसमें दे रखा है टेपवर्म, लीचेज, अर्थवर्म और हुकवर्म, तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं इसका वर्मी कंपोस्टिंग के लिए मुख्य रूप से हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 केचुए यानी कि अर्थवर्म का उपयोग करते हैं। अर्थवर्म क्या करता है, जो रासायनिक जटिल रासायनिक पदार्थ है उसे क्या करता है, साधारण या सिंपल रासायनिक पदार्थों में परिवर्तित करता है, जिसे हम लोग कंपोस्ट कहते हैं। और ये कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट है। तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो विकल्प संख्या 3, इसमें हम केचुए यानी कि अर्थवर्म का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर, क्वेश्चन नंबर 111, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ एक, यानी कि दांत में अगर दर्द हो तो उसके इलाज के लिए हम क्या उपयोग करते हैं। तो इसमें दे रखा है कि सौंफ, लौंग, मेथी या फिर अफीम के बीज। तो उपयुक्त आंसर होगा क्या इसका, लौंग। यानी कि लौंग के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 की हम बात कर रहे हैं, जिसका सही उत्तर होगा लौंग, ऑप्शन संख्या 2। ऑप्शन 2 में लौंग दे रखा है। लौंग का उपयोग क्यों करते हैं हम दांत के दर्द ठीक करने में, क्योंकि लौंग के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है यूजेनॉल, जिसका नाम है यूजेनॉल। ये यूजेनॉल क्या करता है, ये दांतों के दर्द को ये ठीक करने में सहायता करता है, इसीलिए हम लौंग का उपयोग दांत दर्द को ठीक करने में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर यूजेनॉल नमक एक केमिकल पदार्थ पाया जाता है। आगे की ओर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 142, इसमें दे रखा है क्या कि आपके मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती हैं, उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। तो आप देखेंगे क्या यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उनका दांत और बोन यानी कि हड्डियाँ कमजोर है, तो जो ऑप्शन है इसमें पहले मैं बता दूँ ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। क्यों सही है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, ऑप्शन संख्या 3 में दे रखा है क्या, दूध, सब्जियां, पालक तथा फल। ये क्यों सूटेबल होगा, क्योंकि पूछा गया है कि जो आपके मित्र हैं उनका दांत और हड्डियां कमजोर है, तो दांत और हड्डियों के कमजोर होने से उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो रही है, लौह तत्वों की मात्राएं कम हो रही है। तो ये कैल्शियम का मुख्य रूप से कैल्शियम मिल्क में यानी कि दूध में, सब्जियों में, पालक में, फल में, तो कैल्शियम और ये लौह तत्व की मुख्य रूप से उपस्थिति होती है, जिनके कारण हमें क्या करना होगा कि अगर हड्डियां कमज़ोर है या दांत कमज़ोर है तो हमें ऐसे खाना हमें शामिल करना होगा जिनमें कैल्शियम और लौह तत्वों की प्रमुखता हो। तो ऑप्शन संख्या 3 जिसमें दे रखा है दूध, सब्जियां और पालक तथा फल, तो ये क्या होगा, सुटेबल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 142 यानी कि 142 का। आगे चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 144 में दे रखा है क्या, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज फाउंड इन ऑल एनिमल्स गिवन बिलो। नीचे कुछ एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, पूछा गया कि उनमें क्या समानता है। तो दे रखा है टर्टल, पाइथन, ईगल,
लिजर्ड, हॉनी बी। अब इसमें देखेंगे क्या कि सभी जो इसमें जो जीव दे रखे हैं, टर्टल यानी कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी या हॉनी बी, तो इन सब में क्या समानता क्या है कि ये सभी के सभी जो जीव हैं वो अंडा देने वाले जीव है। यानी कि ये सभी की समानता किस में है, तो वो हम देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा, 144 का ऑप्शन संख्या होगा, सही ऑप्शन क्या है, 3, केवल सी। क्यों केवल सी है, क्योंकि ये सभी जंतु क्या है, एग लेइंग एनिमल है, यानी कि अंडे देने वाले जंतु हैं। जो अंडे देने वाले जंतु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस, जो मुख्य रूप से ओवीपेरस, मुख्य रूप से जंतु दो तरह के होते हैं, ओवीपेरस या वीवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब है जो अंडे देने वाली जंतु हैं, ओवीपेरस मतलब एग लेइंग एनिमल्स, ऐसे जंतु जो केवल अंडे देती हैं, और वीवीपेरस का मतलब है कि ऐसे जंतु जो किसी अपने बच्चे यानी कि न्यू वंस जो अपने बच्चों को जन्म देती है, उसे हम कहते हैं क्या, वीवीपेरस। तो हमने देखा 144 का उत्तर क्या होगा, केवल सी, यानी कि ऑप्शन संख्या 3। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। इसमें दे रखा है कि अर्थवर्म के बारे में दे रखा है, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखा है, उनमें हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि ये जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली यानी कि सॉफ्ट एंड लूज हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। सी तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है, ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। और डी स्टेटमेंट दे रखा है क्या, दे प्रोड्यूस मतलब कि ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वो फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती हैं। और ऑप्शन ई स्टेटमेंट ई दे रखा है क्या, रसायनों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें हम देखेंगे स्टेटमेंट एक ए बी और सी सही है, डी और ई गलत है, तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 145 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन सही होगा क्या, 3 नंबर है, जिसमें कि शुरू के जो 3 स्टेटमेंट है ए बी और सी वो तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि जब हम अर्थवर्म का यूज़ करते हैं तो अर्थवर्म क्या करता है, ज़मीन के अंदर क्या कर देगा कि जो ज़मीन के अंदर जो मिट्टी है उनको ढीला बनाएगा, सॉफ्ट करेगा, जिससे क्या होगा उस मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन आसानी से पहुंच सकता है। दूसरा कहता है कि ये जो मरे गले लीफ यानी पत्तियां और कुछ प्लांट के प्रोडक्ट या कुछ भी हो तो उसे क्या करता है, उसको डिग्रेड करता है और उसको सिंपल यानी कि सिंपल साधारण रासायनिक ऑर्गेनिक रसायन में परिवर्तित करता है। और तीसरा दे रखा है क्या कि ये जो वेस्ट हैं उनको कंपोस्ट में परिवर्तित कर देता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ए बी और सी तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा उसका उत्तर होगा ऑप्शन 3। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 157 जिसमें कहा गया है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं कि छात्र संचारी तथा गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। कि अब हम किसी स्टूडेंट को हम क्लास में बता रहे हैं कि कैसे हम उसको समझाएंगे किसी उदाहरण से कि कॉम्युनिकेबल या नॉन कॉम्युनिकेबल यानी कि संचारी और गैर संचारी जो डिजीजेज हैं उनको कैसे उनको आसानी से समझाया जा सके। तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखी, उस स्टेटमेंट को देखिए और बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला दे रखा है क्या कि पहला ऑप्शन है कि हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्यों नहीं। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है ये सही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर दो तरह के बीमारियों की बात की है, एक तो कोविड की बात की है और दूसरा हमने मधुमेह की बात की है। तो हम सब जानते हैं कि कोविड जो बीमारी थी एक छुआछूत वाली बीमारी है, यानी कि ये कॉम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर वो संचारित
हो सकता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, संचारी यानी कि कॉम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। तो इसमें क्या है कि मास्क लगाने से जो हमारे मुंह के थ्रू या नाक के द्वारा जो कुछ कोरोना वायरस निकल सकता है उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरे को भी हम प्रभावित होने से बचाते हैं। तो ये एक संक्रमण को रोकने में मास्क हमें हेल्प करता है। दूसरा दे रखा है डायबिटीज़ एक गैर संचारी यानी कि नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज़ है। डायबिटीज़ एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। किसी भी सामान्य आदमी के अंदर अगर ये इंसुलिन की क्वांटिटी कम हो जाए और इंसुलिन अपना पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है तो उसके अंदर डायबिटीज़ नाम का बीमारी हो जाता है। तो डायबिटिक बीमारी एक शरीर के अंदर होने वाली एक प्रकार की नॉन कॉम्युनिकेबल यानी कि गैर संचारी बीमारी है। तो इसके लिए हमें जिस तरह के कोविड के हम जिस तरह के व्यवहार करते हैं उस तरह के व्यवहार करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह जो डायबिटीज़ है एक नॉन कम्युनिकेबल यानी कि गैर संचारी डिजीज़ है। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 247, एक बार ज़रा मैं इसको बोर्ड को क्लियर कर लूँ फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे 247 क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशकांग समूह में डीएनए होता है, यानी कि कुछ नीचे चार ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें पूछा गया है कि कौन से ऑर्गेनिल में डीएनए होता है। तो पहला दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। हम बात कर रहे हैं क्या 247 क्वेश्चन नंबर का, इसमें ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है तथा क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसा सेल ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस जैसे हम बात करें, अगर कोई एक सेल है ये, तो सेल के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए होगा ही, ये क्या हमारा डीएनए है। न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए प्रेजेंट होता ही है, लेकिन साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होता है, कई बार हमें डीएनए देखने को मिलते हैं। ये डीएनए क्या, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, उसे बोलते हैं हम लोग एमडीएनए, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। या फिर अगर ये क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हम क्या देखते हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के हमें देखने को मिलता है। ये हो गया क्लोरोसी डीएनए, दैट इज कि ऐसे दो सेल ऑर्गेनेल है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर हम डीएनए पाते हैं। और इसीलिए क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस का मतलब कि ये कुछ हद तक न्यूक्लियस के ऊपर, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक जिसे बोलते हैं। ये कुछ हद तक, ये जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ हद तक अपने ऊपर ही निर्भर होते हैं, पूर्ण रूप से न्यूक्लियस के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 247 का ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 248 में दे रखा है क्या कि वन ऑफ द एडिशनल फंक्शंस ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य, या इनमें से क्या कि एक एडिशनल फंक्शन क्या होता है। तो इसमें जो उत्तर हो सकता है, मेन काम क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्वेश्चन नंबर 248 की बात हम कर रहे हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है, लिपिड सिंथेसिस। इसका मुख्य काम क्या है, लिपिड सिंथेसिस। और साथ ही साथ क्या करता है ये, लिपिड सिंथेसिस के साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस के डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो इसका एक मेन रोल हो गया। तो इस हिसाब से 248 का आंसर होना चाहिए
ऑप्शन संख्या चार, ऑप्शन संख्या चार दे रखा है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, तो ये इसके एडिशनल फंक्शन हो सकता है, जबकि इसका मेन फंक्शन क्या है, लिपिड सिंथेसिस है। किसका? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आगे क्यों हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 249, क्वेश्चन नंबर 249 में कह रखा है क्या कि डैमेज द एपिकल मेरी स्टेम ऑफ अ ग्रोइंग यंग प्लांट विल अफेक्ट, कह रहा कि कोई भी पौधा है जिसके हम एपिकल मेरी स्टेम को हम डैमेज कर दें, एपिकल मेरी स्टेम अगर डैमेज हो जाए तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन दे रखा है कि पादप की लंबाई पर, लेंथ ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द लीव्स एंड टेस्ट ऑफ द फ्रूट। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन वन, क्योंकि जब हम एपिकल मेरिस्टेम को डैमेज करेंगे तो एपिकल मेरिस्टेम मुख्य रूप से प्लांट के लंबाई यानी कि उनकी लेंथ जो ऊपरी उसके जो उसकी ग्रोथ है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। तो मुख्य रूप से क्या होगा, प्लांट की लेंथ क्या होगा, बुरी तरह से अफेक्टेड होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन वन। मेरिस्टेम ऐसे सेल्स को कहते हैं जो थ्रू आउट लाइफ, वो हमेशा क्या करता है, उसकी जिंदगी भर उसके सेल के अंदर डिवीजन होता रहता है। आगे को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 250 में कह रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैव ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 250 की बात हम लोग कर रहे हैं, 250 में प्रायरली बता दूं मैं कि उसका उत्तर होगा ऑप्शन थ्री, 250 क्वेश्चन नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन थ्री, जिसमें दे रखा है प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, प्रोटिस्टा प्लस मोनेरा। प्रोटिस्टा और मोनेरा के अंदर जितने भी इसके जीव शामिल किए गए हैं उनकी सेल की संरचना क्या होता है, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होती है। तो भाई जब एक कोशिकीय है तो किसी एक में रखना चाहिए, प्रोटिस्टा और मोनेरा रखने की क्या जरूरत पड़ी। तो मोनेरा के अंदर ऐसे जीवों को रखते हैं जो एक कोशिकीय हैं बट ये प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा में रखा गया है। और जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने प्रोटिस्टा में रखा है। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है एल्गी, एमीबा, ये हो सकते हैं यूकैरियोट्स के उदाहरण होंगे। एमीबा हम लोग सब फैमिलियर है, एमीबा सिंगल सेल का होता है। एल्गी बहुत सारे एल्गी हैं, क्लोरेला वगैरह, वो क्या है ये यूनिसेलुलर है। जबकि मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। इसके उदाहरण होंगे क्या, बैक्टीरिया, इसका उदाहरण है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, प्रोकैरियोटिक में कहते हैं कि जो डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसे सेल जिसके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होगा उसे कहते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक, और जिसके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस होता है उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक। सो क्वेश्चन नंबर 250 का सही विकल्प क्या होगा, विकल्प संख्या तीन, जिसमें दे रखा है क्या, प्रोटिस्टा और मोनेरा दोनों ही के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 251 की ओर आगे बढ़ते हैं, पहले इसे जरा मैं इरेज कर लूं। क्वेश्चन संख्या 251 में कहा गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर बॉर्न डिजीज, मतलब कि जो नीचे दिए गए कुछ डिजीज के नाम दे रखे हैं उनमें से बताना है कि इनमें वाटर बॉर्न डिजीज यानी कि जल संक्रामक रोग कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 251, तो ऑप्शन दे रखा है क्या, जॉन्डिस, ट्यूबरकुलोसिस, रैबिस का टाइपिंग मिस्टेक है, रैबिका लिखा गया है, रैबिस हिंदी में ठीक लिखा गया है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है अर्थराइटिस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 251 का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या एक, ऑप्शन संख्या एक इसका सही उत्तर है, जिसमें दे रखा है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस जो रोग है, जॉन्डिस एक वायरस के कारण होता है, हेपेटाइटिस वायरस नाम का वायरस है जो क्या करता है, हेपेटाइटिस ए बी सी कई तरह के हेपेटाइटिस होते हैं जो कि जॉन्डिस को नामक बीमारी को
अंजाम देते हैं। ये हेपेटाइटिस या जॉन्डिस के अंदर क्या होता है, हमारा जो लीवर वो डैमेज हो जाता है या फिर अफेक्टेड होता है। तो ये क्या है, दूषित जल के ग्रहण करने से जॉन्डिस हो सकता है। तो ये क्या है, जल वाटर बॉर्न डिजीज है, मतलब कि जल संक्रामक रोग है, दूषित जल के कारण ये बीमारी हमें हो सकती है। दूसरा दे रखा है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है कि एयर बॉर्न डिजीज है। रैबीज, रैबीज क्या है, किसी वो रैबिड एनिमल यानी कुत्ते के काटने से होता है। और जो अर्थराइटिस है वो तो हमारा बोन से रिलेटेड डिजीज है। तो इसमें क्या होगा, 251 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन एक, दैट इज जॉन्डिस। आगे क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 252 में कहा गया है द एटॉमिक नंबर ऑफ ए एलिमेंट इज 8। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है 8, और कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट गेन टू फॉर्म द कंपाउंड विथ सोडियम। अब कह रहा है कि इसके साथ एटॉमिक नंबर 8 है और ये किसके साथ कंपाउंड बना रहा है, तो सोडियम के साथ कंपाउंड बना रहा है। जब ये सोडियम के साथ कंपाउंड बना रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल इट गेन फ्रॉम द सोडियम, तो सोडियम से ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कंपाउंड बनाएगा। हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर हम सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो होगा क्या, KLM281, ठीक है। अब ये एटॉमिक नंबर, और इसका एटॉमिक नंबर लिखिए तो हो जाएगा क्या, 26, यानी कि उसके ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसे दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो एक क्या करेगा, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, और दो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सोडियम से दो जो कंपाउंड बनेगा हो जाएगा Na2O, यानी कि ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा सोडियम फिर एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि कुल दो इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, उनको गेन करना पड़ेगा। सोडियम से क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन सा, जिसकी एटॉमिक नंबर 8 दे रखी है। तो ऑप्शन इसका उत्तर क्या होगा, 252 का ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमें ये इस तरह से पता चल जाता है कि किसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान होना, कौन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कितना कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आगे क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 253 के अंदर बढ़ते हैं। 253 में दे रखा है कि अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन विथ मासेस 16U, यहाँ म्यू लिखा गया, म्यू के जगह पे यू आप पढ़ेंगे, 16U एंड 18U रेस्पेक्टिवली। द प्रोपोर्शन ऑफ दीज आइसोटोप्स इन द सैंपल इज 3:1, व्हाट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन दिस सैंपल। कहने का मतलब है कि हमें दो आइसोटोप, ऑक्सीजन के दो आइसोटोप दे रखा है और इन दोनों आइसोटोप के बारे में बता रखा है कि उसकी, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 253 की, 253 में दे रखा है कि दो आइसोटोप है ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन आइसोटोप क्या है उसका एटॉमिक मास दे रखा है 16U, और दूसरा ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक मास दे रखा है 18U, ठीक है। और इसकी रेशियो क्या दे रखी है, दोनों का रेशियो ये 1 मान लो, ये 2 मानो, इन दोनों की रेशियो दे रखी है 3:1 दे रखा है। तो व्हाट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास हमें पता करने के लिए, एवरेज एटॉमिक मास को, इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन आप इस तरह से देखो कि पहला वाला कितना है, 16U है, और ये कितना परसेंट है, तो 3 है, टोटल कितना हो जाए, 3+1 4, तो टोटल हो गया 4, प्लस दूसरा का कितना है 18 into, दूसरा का रेशियो क्या है 1/, टोटल क्या है 4, इसको आप सॉल्व करिए तो 4 से गया ये, 4 चौका 16, तो हो गया ये 4 3 12, यानी कि 12+2 9, तो हो गया 9/2। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हो गया ये 2, तो हो गया ये, इसको डिवाइड के कुछ नहीं है तो 1, दैट इज 24+9 बराबर हो गया कितना, 24 9 4 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3, 33/2 हुआ। अब इसको अब जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16.5 यू।
तो इसका जो एवरेज मास होगा इन दोनों का 16.5 U होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या 4। ऑप्शन 4 में ये दे रखा है, इसका ऑप्शन क्या होगा, 16.5 इसका एवरेज मास होगा। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 255, क्वेश्चन नंबर 255 में दे रखा है क्या कि हमें बताना है कि एनहाइड्रस 255, 255 में कह रहा है क्या कि व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का मतलब है कि ऐसा कार्बोनेट जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा क्या, Na2CO3। अब Na2CO3 के अंदर सोडियम कार्बन एंड ऑक्सीजन तीन तरह के एलिमेंट्स हैं और इन तीनों का एटॉमिक मास दे रखा है। सोडियम का एटॉमिक मास दे रखा है 23। तो 23 इंटू दो एटम है सोडियम के तो लिखा 2, प्लस कार्बन का दे रखा है कितना 12U, तो वो हो गया 12 इंटू कितने एटम है तो 1 एटम है, प्लस ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 16 और कितने एटम है 3 एटम है। अब इनको जरा कैलकुलेट करिए, 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 टू जा 6 और 2 टू जा 4 दैट इज 46, प्लस 12 प्लस इनको किया तो 12 इंटू 1 12 और 16 इंटू 3 16 इंटू 3 दैट इज 48। ठीक है, अब इन सबको प्लस करिए कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 10 प्लस 6 16 1, 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 4 10। तो इसका जो एटॉमिक मास हो गया इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का 106U। तो 106U है दे रखा है ऑप्शन संख्या 2 में। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 255। और कैसे करेक्ट होगा इसका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर दे रखा है। आप बहुत आसान है, सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद होने के बाद आप आसानी से इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 256, क्वेश्चन नंबर 256 में दे रखा है कुछ फार्मूलाज, नीचे में दे रखा है कुछ, और उसमें पूछा गया है कि उसमें से बताइए कि कौन सा 256 में दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सिन गैस। तो सिन गैस का मतलब है कि उसको कहते हैं फुल फॉर्म क्या है, सिंथेटिक गैस। इसी का शॉर्ट फॉर्म में सिन गैस लिखा जाता है, जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है सिन गैस। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सिंथेटिक गैस को रिप्रेजेंट करता है। और सिन गैस किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कि जब मिश्रण कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को हम सिन गैस कहते हैं। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन, इसके ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। 256 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। क्यों होगा, क्योंकि सिन गैस का जो ये जो सिन गैस के अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दोनों मिला के बनाते हैं सिंथेटिक गैस, और इसी सिंथेटिक गैस का शॉर्ट फॉर्म होता है क्या, सिन गैस। सिन गैस को मुख्य रूप से यूज हम एज फ्यूल के रूप में भी करते हैं, ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 273, क्वेश्चन नंबर 273 में कहा जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 273 कह रहा है कि द एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट ऑफ द स्टमक इज न्यूट्रलाइज्ड बाय। अब कह रहा है कि जो सेमी सॉलिड फूड है, जो एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक से निकल के बाहर की ओर आ रहा है, कहाँ जाएगा, तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जा रहा है। तो जो स्टमक के अंदर जो फूड है उसकी जो नेचर क्या होगी, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। क्यों, क्योंकि स्टमक के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के अंदर वो अच्छी तरह से मिला होता है, इसलिए फूड का नेचर क्या हो जाएगा, वहाँ पे एसिडिक हो जाता है, अम्लीय होता है। अब देखो क्या कह रहा है, क्या द एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट ऑफ द स्टमक इज न्यूट्रलाइज्ड बाय।
अब ये जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है, जो एसिडिक का नेचर है, अब ये स्टमक से निकल के जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी एंजाइम्स हैं वो एसिडिक नहीं, वो अल्कलाइन मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में सिर्फ काम कर सकते हैं। वो डाइजेशन क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन, फर्दर डाइजेशन होनी है वो क्या होता है, अल्कलाइन मीडियम में होना है। इसलिए क्या करना होगा, जो एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है उसका क्या करना होगा, अल्कलाइन करना होगा। तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसा पदार्थ है जो इसे अल्कलाइन करने का, यानी कि इसको इसको एसिडिक जो नेचर है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन संख्या फोर, ऑप्शन फोर 273 का ऑप्शन फोर है, क्या है, बाइल जूस। ये जो बाइल जूस है पैनक्रियाज से, बाइल जूस पैनक्रियाज से निकल के बाइल डक्ट के द्वारा आता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये बाइल जूस का जो नेचर है वो का अल्कलाइन होता है, क्या होता है, अल्कलाइन होता है। जो जो एसिडिक फूड सेमी डाइजेस्टेड फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है उसके एसिडिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, तो बाइल जूस करता है। और ये बाइल जूस कहाँ से आता है, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज। ये कौन सिक्रेट करता है, तो पैनक्रियाज के द्वारा इसको सिक्रेट किया जाता है। और ये पैनक्रियाज बाइल डक्ट के द्वारा बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में श्रवित की जाती है, सिक्रेट की जाती है, ताकि वो जो एसिडिक फूड है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। आगे को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 274 में कहा जा रहा है क्या कि द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिसीव्ड बाय। अब हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि हार्ट की संरचना के बारे में हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 274 की बात कर रहे हैं, इसका मैं पहले बता दूं कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन वन। और ऑप्शन वन क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग जानते हैं कि हार्ट की संरचना, जो हार्ट हमारा क्या है, किसी भी मैमल के अंदर जो हार्ट होता है वो फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, चार चैम्बर होती है। तो जो शरीर से हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जो इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है वो कहाँ पे आती है, सबसे पहले राइट एट्रियम में आती है, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर वो पंप किया जाएगा और जाएगा कहाँ पे, लंग्स में। कहाँ क्यों जाएगा, ऑक्सीजनेशन होने के लिए। लंग्स में किसके द्वारा जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज होगा, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीकृत होगा। अब ये जो ब्लड है क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले लंग्स से निकल के पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा और लेफ्ट ऑरिकल के बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद एओर्टा के थ्रू फिर शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक, क्योंकि ये लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल की बात करता है। स्पेलिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग एरर है, इसको आप हिंदी में सही लिखा है बायां अलिंद और इंग्लिश में आर्टिकल लिखी है, इसको ऑरिकल होना चाहिए, ठीक है। तो 274 क्वेश्चन नंबर 274 का आंसर क्या होगा, वन दैट इज लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल भी बोला जाता है, लेफ्ट ऑरिकल या बोलिए इसको आप लेफ्ट एट्रियम, दोनों बोला जाता है, आर्टिकल या एट्रियम भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो जो शुद्ध जल है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लंग्स से सीधा लेफ्ट एट्रियम में आता है, ओके। आगे की ओर बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन संख्या 275 में दे रखा है क्या कि द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ। जब फोटोसिंथेसिस की बात हम करते हैं तो देखो फोटोसिंथेसिस में हम क्या देखते हैं कि जो रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाएंगे, ये दे फॉर्म C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज दैट इज स्टार्च 6
O2 प्लस 6 H2O। अब कहा जा रहा है कि ये जो ऑक्सीजन गैस हम फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रिलीज होता है वो कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से आता है या वाटर से आता है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि उत्तर हो गया वाटर, यानी कि ऑप्शन संख्या ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। क्यों है ऑप्शन वन करेक्ट, क्योंकि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उसके लिए एक फेनोमेना है, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर, एक टर्म है जिसको हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि फोटोलिसिस का मतलब फोटो मीन्स होता है लाइट और लिसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, तो वाटर का ब्रेकडाउन कब होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में, इसी को कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखिए अब क्या होगा, जब ये वाटर का फोटोलिसिस होगा यानी कि ये ब्रेकडाउन होगा, ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस का निर्माण करेगा, ये हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन करेगा और क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से निकलकर बाहर की ओर आता है। तो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है प्लांट्स के अंदर, वो दो तरीके से काम करता है, प्लांट्स के लिए फूड भी बनाता है और एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में, शुद्ध रखने में सहायता करता है, ताकि वो ऑक्सीजन को सप्लाई निरंतर करता रहता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन का जो रिलीज होता है या प्रोडक्शन होता है वो होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर के कारण, वाटर के मॉलिक्यूल यानी कि जल के अणु के टूटने के कारण ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 275 का आंसर होगा ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 276 में दे रखा है क्या कि हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में दे रखा है कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। तो इसमें दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट सर्किट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन है कि जो साइमल्टेनियसली हम इमीडिएटली कोई डिसीजन लेनी है, तो जनरली जो जैसे कभी हम बैठे हैं और अचानक से हमारे हाथ में पिन चुभ गया, या फिर कोई बर्निंग कैंडल से हमारा हाथ अगर टच हो जाता है या कोई जलते हुए चीज़ से टच हो जाए, तो हम इमीडिएटली क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे की ओर करते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन को कैसे ये काम करता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए आप देखें क्वेश्चन नंबर 276 की बात हम कर रहे हैं। तो कैसे, जैसे हमारा ये सपोज करो ये कोई बर्निंग सब्सटेंस है, कोई ये जलता हुआ चीज है, ये हॉट है, ये जैसे हमारा हाथ इसमें टच होगा तो ये कि नर्व्स होती है, दो तरह के नर्व्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक क्या हो रहा है सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व क्या करेगा, ये जो फीलिंग है हमारी, ये जो हमारी फीलिंग है, ये कौन सेंसरी नर्व्स कहाँ लेके आएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड में लेके आएगा, कौन लेके आएगा, स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, एक मिनट इसको कट कीजिए आप, स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाएगा। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड इस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेगा और ये ऑर्डर देगा कि अपने हाथ को आप पीछे करो, तो ये कौन सा नर्व लेके आ रहे हैं, दैट इज नोन एज द मोटर न्यूरॉन, इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन क्या करे, हमारे हाथ के मसल्स को, जिसे हम बोलते हैं इफेक्टर, इसे क्या बोलते हैं, जो हाथ के हमारे मसल्स हैं उसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टर को ये क्या कहेगा, आदेश देता है कि अपने हाथ को पीछे करो। जिसमें देखो कि क्या कौन कौन से न्यूरॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन एंड द इफेक्टर। तो इसमें देखो आप क्वेश्चन नंबर 276 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या टू। ऑप्शन टू में आप देखो रिसेप्टर का मतलब हमारा हाथ हुआ, कुछ भी पैर भी हो सकता है, तो हमारा कोई भी बॉडी पार्ट है, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर। ये इस पे अगर कुछ भी हो रहा है तो ये मैसेज कौन लेके जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड तक, दैट इज द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को अब क्या करना है, ये डिसीजन बताएगा, किसको बताएगा, तो मोटर न्यूरॉन, ये जो डिसीजन है दैट इज कौन कैरी करेगा, तो मोटर न्यूरॉन कैरी करेगा, और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, इफेक्टर को ऑर्डर करेगा कि अपने हाथ को या पैर को जहां भी ये डैमेज होने वाला है उसको आप इमीडिएटली पीछे करो।
तो ये अच्छा एक बात इसमें समझो आप कि स्पाइनल कॉर्ड ये ब्रेन क्यों नहीं इस पर डिसीजन ले रहा है, ये क्या कि ये जो फंक्शन हम बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं क्या कोई भी त्वरित है इमीडिएट कोई इमरजेंसी वाली कोई घटना है जिसमें हम ज़्यादा सोच समझ नहीं सकते, सोचने का टाइम नहीं है, अगर ज़्यादा सोचा हमने तो हमारा क्या होता है डैमेज हो सकता है, कोई भी हमारा अंग उसमें डैमेज हो सकता है। तो इमीडिएटली क्या होता है ये डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आता है और बाद में ये स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को ब्रेन को भेजता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हम ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये डिसीजन आती है। तो ये जो ऑप्शन दो है इसका सही उत्तर होगा। आगे क्यों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 277। क्वेश्चन नंबर 277 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 277 में दे रखा है क्या कि कोई एक प्लांट दे रखा है 277। क्वेश्चन नंबर 277 का उत्तर देखिए, पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं उसके बाद इसको करते हैं। इफ वन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स फॉर अ गिवन प्लांट इज रिप्रेजेंटेड एज एन, कह रहा है कि किसी भी प्लांट के अंदर वन सेट क्रोमोजोम है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे कर रहे हैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इन केस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन द जायगोट एंड द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ऑफ द डिप्लॉयड प्लांट वुड हैव हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स रेस्पेक्टिवली। अब इसके उत्तर आप देख लो, उत्तर हो जाएगा इसका हो जाएगा कुछ ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर क्यों होगा, इसमें दो फिनोमेना की बात कर रहा है, एक तो कह रहा है क्या जायगोट फॉर्मेशन जायगोट का बनना और दूसरा कह रहा है क्या इंडोस्पर्म इंडोस्पर्म। तो हम सब जानते हैं क्या जायगोट कब बनेगा इंडोस्पर्म, जायगोट कब बनेगा जब मेल और फीमेल गैमिट जब फ्यूज करता है तब जाके क्या बनता है जायगोट बनता है। तो पहले यहाँ दिखा रखा है कि प्लांट के अंदर जो सेट वन सेट ऑफ क्रोमोजोम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, तो जायगोट बन रहा है तो एक क्या हो रहा है मेल गैमिट से यानी कि फादर से आ रहा है, दूसरा फीमेल गैमिट यानी कि मदर से आ रहा है, दोनों मिला के कितना हो जाएगा एन प्लस एन दैट इज टू एन। तो जायगोट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने हो जाएंगे 2n हो जाएंगे और इंडोस्पर्म है तो इंडोस्पर्म क्या होता है कि इंडोस्पर्म के अंदर ये ट्रिप्लोइड है, ये क्या होता है इंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है, ट्रिप्लोइड का मतलब है कि इसके अंदर क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होगी 3n होगी। इसको जानने के लिए हमेशा याद रखना है इंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म के अंदर ये होता है एंजियोस्पर्मिक इंडोस्पर्म हमेशा क्या होगा ट्रिप्लोइड होता है, कितना होगा ट्रिप्लोइड होगा और ट्रिप्लोइड का मतलब है कि इसमें 3n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं और जायगोट हमेशा क्या होता है डिप्लोइड होता है, डिप्लोइड होगा इसलिए इसके अंदर क्या होता है टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स इसके अंदर होते हैं। इसको समझने के लिए हम प्लांट का एक ओवरी का स्ट्रक्चर देखिए, ओवरी है ओवरी के अंदर क्या होता है ओव्यूल होता है, ये हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल में जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे ओव्यूल के अंदर ये माइक्रोपाइलर रीजन है, माइक्रोपाइलर रीजन में क्या होगा एक एग होगा और एग के साथ क्या होता है दो सिनर्जिस्ट होते हैं, ये हमारा क्या है एग है और एग क्या है दैट इज द हैप्लोइड, हैप्लोइड होता है इसके साथ यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स होते हैं, यहाँ पर तीन एंटीपोडल सेल्स है, ये क्या है एंटीपोडल सेल्स है एंटीपोडल सेल्स, ये माइक्रोपाइलर रीजन ये चलाजल रीजन है और बीच में क्या होता है सेंट्रल सेल होता है, सेंट्रल सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होती है दिस इज द सेंट्रल सेल, इसके अंदर दो न्यूक्लियस है। अब ये एक क्या करेगा एक के अंदर एक न्यूक्लियस है एक एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स और सेंट्रल सेल में ऑलरेडी टू एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है। अब इसमें क्या होगा ये एग मेल या मेल गैमिट के साथ फ्यूज करेगा, मेल गैमिट के साथ फ्यूज करा तो n प्लस एन कितना बन जाएगा 2n और ये किस क्या बनेगा एग फर्टिलाइज करके बनाता है जाइगोट, तो जाइगोट के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे। अभी ये देखो सेंट्रल सेल दो मेल न्यूक्लियस होता है, वन ऑफ द मेल न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म द जाइगोट और दूसरा मेल न्यूक्लियस इस सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा और जब ये मेल न्यूक्लियस क्या करेगा एक मेल न्यूक्लियस इसके साथ सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा और बनाएगा क्या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल से वही डेवलप करके इंडोस्पर्म बनाएगा। तो इसमें देखिए 2n पहले से और 1n और ऐड हो गया तो इसके अंदर टोटल हो गया 3n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स,
इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो इंडोस्पर्म होते हैं उसमें हमेशा ट्रिप्लोइड यानी कि 3 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। तीसरे 277 का उत्तर, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या 4। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 297। क्वेश्चन नंबर 297 में कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में जो नीचे में दी गई सेंटेंसेज है या जो ऑप्शन है उसमें कौन सा करेक्ट एक्शन स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 297 उसमें हम देखें तो पहला दे रखा है क्या, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली। हम सब जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, द अमाउंट ऑफ या मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये कहता है क्या कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड यानी कि नॉर डिस्ट्रॉयड यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जैसे सपोज करिए ए प्लस बी इट गिव्स सी, तो ये जो रिएक्टेंट का मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, दिस शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इस कारण क्या होगा, इसके अंदर 297 क्वेश्चन नंबर का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें कहा गया है मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही मास का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये किसके द्वारा कहा गया है, दैट इज द दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसलिए क्वेश्चन नंबर 297 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। आगे की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 353 कहता है द एक्सीडेंटल टच ऑफ द नेटल लिप्स क्रिएट्स अ बर्निंग सेंसेशन व्हिच इज ड्यू टू द इंजेक्ट ऑफ। एक नेटल लीफ है, एक नेटल की पत्ती होती है जो एकदम नुकीला और पॉइंटेड होता है, अगर वो कभी भी हमारे स्किन में चुभ जाए तो क्या होता है, जैसे चुभेगा हमारे स्किन के अंदर वो इरिटेशन वो पेन करता है। ये क्यों होता है, तो इसका कारण क्या है कि क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 353 की, क्वेश्चन नंबर 353 का आंसर होगा क्या, ऑप्शन टू क्योंकि जैसे ही नेटल लीफ की जो नीडल हमारे स्किन के अंदर चुभती है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर मिथनोइक एसिड, एक एसिड है जिसका नाम क्या है मिथनोइक एसिड, वो एसिड क्या करता है हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। जैसे ही ये मिथनोइक एसिड हमारे बॉडी में प्रवेश करता है हमें ये दर्द और ये इरिटेशन कॉज करता है। कौन सा एसिड है, मिथनोइक एसिड, इसका नाम क्या है मिथनोइक एसिड। तो मिथनोइक एसिड के कारण क्या होता है, किसी भी जंतु या हमारे बॉडी के अंदर ही अगर वो चुभ जाए तो हमें बर्निंग सेंसेशन देता है, जलन सी महसूस होती है। ये क्यों होता है कि हमारे बॉडी में मिथनोइक एसिड प्रवेश कर जाता है, इसलिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 359 नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 359 में कहा गया है कि एड्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस हुज जेनेटिक मटेरियल इज। एड्स के बारे में हम लोग सब जानते हैं, एड्स एक बीमारी है जो एक वायरस के द्वारा कॉज की जाती है, उस वायरस का नाम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं हम लोग 359 के, क्वेश्चन नंबर 359 के अंदर पूछा गया है क्या कि एड्स इज कॉज्ड बाई अ वायरस, उस वायरस का नाम क्या है, तो HIV वायरस बोलते हैं हम लोग, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस। अब ये वायरस जो HIV वायरस है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो इसका उत्तर जो पहले मैं अभी उसका सही ऑप्शन बता दूँ फिर इसको डिस्कस करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। HIV के अंदर क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या होगा, आरएनए इसके अंदर होता है, दैट इज इसको लिखते हैं शॉर्ट में क्या, एस फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। वायरस एक मतलब सिंपलेस्ट
लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कई बार इसको लिविंग कई बार नॉन लिविंग भी कहते हैं क्योंकि इसको हम क्रिस्टलाइन भी कर सकते हैं। जब ये वायरस किसी भी होस्ट के अंदर जाता है तो वह लिविंग की तरह बिहेव करता है, और ये जब किसी होस्ट के बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो वायरस क्या है? सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है? इसके अंदर जो बॉडी की संरचना है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और जेनेटिक मटीरियल। तो जो ह्यूमन ये जो वायरस है, माने मतलब कि जो ह्यूमन वायरस है, दो तरह के वायरस है, प्लांट वायरस एंड ह्यूमन वायरस। जो ह्यूमन वायरस है, जो एनिमल वायरस है, जो एनिमल किसी भी एनिमल को इन्फेक्ट कर सकता है, तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जनरली क्या होता है? आरएनए होता है। कुछ एक्सेप्शन, उसको एक्सेप्शन की बात छोड़ के जनरली क्या होता है, उसके अंदर आरएनए होता है। जबकि प्लांट वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होती है उनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो एनिमल वायरस एंड प्लांट वायरस, एनिमल वायरस में क्या होगा, ज़्यादातर मुख्य रूप से जनरली क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाए जाते हैं। जबकि प्लांट वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए होता है। और वायरस एक ऐसा सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ दो चीज़ों से मिलके बना है, प्रोटीन का इसका क्या होता है, बाहर का लेयर होता है, और इसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होता है। कभी या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, कभी भी साथ में डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं पाया जा सकता है। ओनली या तो कभी डीएनए, प्रोटीन तो सब में होगा, प्रोटीन या डीएनए हो सकता है या प्रोटीन प्लस आरएनए हो सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 3, जिसमें एचआईवी वायरस जो एड्स कॉज करती है उसमें कौन सा जेनेटिक मटीरियल है, तो उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। आगे को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 360 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता उसके बारे में देखिए, क्वेश्चन नंबर 360 इसका ऑप्शन दे रखा है क्या कि सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और राइबोसोम। तो हम सब जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो सिंपल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और साथ ही साथ कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल्स नहीं होते हैं। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल्स प्रोकैरियोट्स में अवेलेबल नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें देखो आप, सेल वॉल तो होगा क्योंकि वो आउटर साइड है, अंदर नहीं होता है, सेल वॉल होगा। दूसरा क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी स्ट्रक्चर देखोगे तो ये क्या, दो मेम्ब्रेन से गिर की बनी होती है। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेम्ब्रेन होता है। तो हमने अभी बताया कि प्रोकैरियोट्स में किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 361 में कहा गया कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी डज नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या है, सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। तो देखते हैं इस ब्रीदिंग के में कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें कौन सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट दे रखा है ब्रोंकाई, तो ब्रोंकाई जरूर रोल प्ले करता है, बिना ब्रोंकाई का होगा नहीं। दूसरा दे रखा है बोमेंस कैप्सूल, तीसरा दे रखा है डायफ्राम और चौथा दे रखा है ट्रैकिया। तो ये एक तीन और चार हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। जबकि जो ऑप्शन सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 360 का आंसर क्या है, ऑप्शन टू क्यों है, क्योंकि इसमें दे रखा है बोमेंस कैप्सूल हमारे ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, जबकि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट है जो हमारे यूरिन को बनाने में हेल्प करता है। तो ये उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है, बोमेंस कैप्सूल एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है जो यूरिन के बनाने में हेल्प करता है। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर बोमेंस कैप्सूल पाया जाता है, ये किडनी का पार्ट है। तो ये किडनी का पार्ट है, इसलिए क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में या उत्सर्जन तंत्र में ये सहायता करता है। तो जो इसमें दे रखा है क्या, जो ब्रीदिंग प्रोसेस में सहायता नहीं करता है, तो वो क्या होगा, बोमेंस कैप्सूल, यानी कि ऑप्शन
टू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 362। क्वेश्चन नंबर 362 में कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज करेक्ट। तो देखते हैं क्या है। पहला क्या रखा है कि थैलोफाइट्स हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी डिजाइन। ये गलत है। थैलोफाइट्स ऐसे थैलस लाइक स्ट्रक्चर, थैलोफाइटा का मतलब है कि ऐसे प्लांट जिनका थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर द प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट स्टेम एंड लीफ। ऐसे प्लांट जो रूट स्टेम और लीफ में विभक्त नहीं होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं थैलस। और जो थैलस को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया दैट इज कॉल्ड द थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा इसमें बॉडी डिजाइन डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं हम लोग, फ्यूनेरिया इज अ फंगस। फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइट का मेंबर है। फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइट का मेंबर है, ये फंगस नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, ऑल ट्रेडोफाइट्स आर फेनेरोगेम्स। ट्रेडोफाइट को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। पूरे प्लांट को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में ऐसे प्लांट्स को रखा गया जिसके अंदर फ्लावर्स या सीड नहीं होते हैं, जैसे थैलोफाइट्सा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड ट्रेडोफाइटा। ये सारे किस में क्रिप्टोफाइटा के अंदर रखा गया है। जैसे हम बात करें तो एक क्रिप्टोगेम्स एंड द फिनेरोगेम्स। प्लांट्स को ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 362 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 362। तो फिनेरोगेम्स एंड द क्रिप्टोगेम्स, प्लांट्स को क्रिप्टोगेम्स, प्लांट्स को गेम्स, गैमस है ना, फिनेरोगेम्स एंड गेम्स, और दूसरा हो गया क्या, फिनेरोगेम्स, फिनेरो गेम्स। इसके अंदर क्रिप्टोगेम्स ऐसे सिंपल प्लांट्स को कहा गया है जिसके अंदर फ्रूट्स और फ्लावर्स नहीं पाए जाते। इसका उदाहरण हो गया थैलोफाइटा, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। और जो फिनेरोगेम्स है इसमें ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जिसके अंदर वेल डेवलप्ड फ्रूट और वेल डेवलप्ड फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो इसके उदाहरण हो गए क्या, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो ऑप्शन 3 क्या वो भी रॉन्ग है कि ट्रेडोफाइट फिनेरोगेम्स में दे रहा है, जबकि ट्रेडोफाइट क्या होगा, एक क्रिप्टोगेम्स प्लांट है। कुछ ऑप्शन 4 दे रखा है क्या, वैस्कुलर सिस्टम्स इज नॉट फाउंड अमॉन्ग द ब्रायोफाइट, दिस इज करेक्ट। ब्रायोफाइट्स के अंदर में क्या होगा, कोई भी वैस्कुलर सिस्टम जैसे जाइलम और फ्लोएम है वो क्या, ये फिनेरोगेम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि ब्रायोफाइट्स में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 362 का ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 363। 363 में दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेबल्स ऑफ हायरार्की। जैसे हम किसी भी प्लांट का हम क्लासिफिकेशन करते हैं या किसी भी प्लांट या एनिमल की क्लासिफिकेशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 363 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 363। तो उसमें किस तरह से हम उसको विभिन्न उसको हायरार्की में उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसमें दे रखा है क्या, तो पहले ही बता दूं मैं, इसका जो ऑप्शन है 1 करेक्ट है। ऑप्शन 1 करेक्ट है, क्यों है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी क्लासिफिकेशन का सबसे पहले क्या होता है, किंगडम। सबसे पहले क्या होगा, किंगडम होता है, तो प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं किंगडम, इसके नीचे क्या होगा, फाइलम। एनिमल के केस में क्या होता है, फाइलम, और प्लांट के केस में हम कहते हैं इसको क्या, डिवीजन, फाइलम और डिवीजन। इसके बाद क्या होगा, फाइलम के बाद होता है क्या, क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, फैमिली, देन जीनस, और सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, स्पीशीज। तो ये हायरार्की है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं किसी भी क्लासिफिकेशन के अंदर इस हायरार्की को हम फॉलो करते हैं। तो ये इसी ऑर्डर में ये लिखा जाता है, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो क्वेश्चन नंबर 363 का सही आंसर होगा ऑप्शन 1।
आगे क्यों चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 364 पे। क्वेश्चन नंबर 364 में कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेरिस्टमेटिक टिश्यूज इन प्लांट इज करेक्ट। तो प्लांट के अंदर मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के बारे में बताया गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यानी कि सही है। तो हम देखेंगे इसमें मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के बारे में क्या क्या इसके अंदर ऑप्शंस दे रखा है, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 364। तो ऑप्शन देखो कि जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज है उनके बारे में कहा गया, दे आर डेड टिश्यूज एंड फॉर्म वुड। मेरिस्टमेटिक टिश्यूज क्या है, लिविंग सेल्स है और ये थ्रू आउट द लाइफ, जब जिंदगी भर ये क्या करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं और सेल वही डिवाइड करेगा जो लिविंग है। सो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज आर द लिविंग टिश्यूज, दे कैन डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। तो स्टेटमेंट वन इसका रॉन्ग है ये। सेकेंड कहते हैं दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट ड्यू टू देयर थिकनिंग थिकेंड वॉल्स। मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के जो सेल वॉल है वो क्या होता है, थीन होता है, पतली होती है। पतली होने के कारण क्या करते हैं कि सेल डिवाइड कर सकता है और आराम से नए सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये वाला कि जो इसके थिकेंड वॉल है ये मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के अंदर नहीं होते, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन थ्री देखें, दे आर प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ द ट्री। नहीं, बार्क में या छाल जो होती है पेड़ के उसमें मेरिस्टमेटिक टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं, उसमें परमानेंट टिश्यूज होंगे। तो ऑप्शन चार क्या है, ग्रोथ अकर्स इन प्लांट ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, फोर, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज है वो थ्रू आउट द लाइफ सेल डिवाइड करता है और इस तरह से प्लांट के ग्रोथ में, प्लांट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ग्रोथ और किसी भी प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होता है वो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के कारण ही होता है। और ये जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज है वो तीन तरह के, मुख्य रूप से तीन प्रकार के पाए जाते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट के एपिकल पार्ट यानी कि ऊपरी पार्ट को भाग के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो इंटरनोडल ग्रोथ को बढ़ाते हैं, और जो लैटरल मेरिस्टेम है वो किसी भी पौधे या प्लांट के थिकनेस यानी कि उसकी गर्थ, उसकी थिकनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो हम देख रहे हैं कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू थ्रू आउट द लाइफ ये डिवाइड होते हैं और इनके जो सेल वॉल है वो थीन होती है, पतली होती है, थिक नहीं होती है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 380 की ओर। क्वेश्चन नंबर 380 में कहा गया, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल। तो इसके आंसर तो हम लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर है, रॉबर्ट हुक इन द ईयर ऑफ 1865। रॉबर्ट हुक इन द ईयर ऑफ 1865 जब इसने कॉर्क सेल को स्लाइस थिन काटा, पतले पतले स्लाइड काटा और उसका जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उसने देखा क्या कि हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर उसको दिखाई दिया। माइक्रोस्कोप के अंदर हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर उसको दिखाई दिया, किसे, रॉबर्ट हुक को। और उसने ये जो कंपार्टमेंट्स था इसी को नाम दिया उसने सेल। सो रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैव डिस्कवर्ड द सेल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 380 का ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। और सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि कोई मतलब एम्प्टी कंपार्टमेंट, खाली जगह। तो सेल की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1865 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर आगे क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 381 में हम देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर अ फूड चेन। तो इसके अंदर पूछा गया फूड चेन के बारे में दे रखा है। तो फूड चेन क्या है, फूड चेन में हम देखते हैं क्या कि जब चेन हम देखते हैं, चेन क्या, एक दूसरे से लगातार कोई भी वस्तु लगी होती है उसे हम चेन कहते हैं। ये क्या है, फूड चेन है, दैट इज़ कि एक जंतु या एक जीव दूसरे जीव के द्वारा खाया जाता है जिसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स तथा एनर्जी का प्रवाह एक से दूसरे जंतु या जीव के अंदर ये होता है। तो फूड चेन में हम दे रखा है पहला इसके अंदर 381 का, देखो ऑप्शन इसका दो करेक्ट होगा, कैसे करेक्ट होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन संख्या दो इसके करेक्ट है, दैट इज़ ग्रास गोट एंड ह्यूमन। तो हमने देखा यहाँ पर सबसे नीचे क्या है, ग्रास, ग्रास इज ईटन बाई
गोट, ग्रास को कौन खाएगा, दो गोट, बकरी, और बकरी को दैट इज ईटन बाय द ह्यूमन, इसको किसने खाया, तो ह्यूमन ने खाया। अब देख रहे कि जो ग्रास है दिस इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर। जब कभी भी कोई फूड चेन होता है तो कोई हमेशा कोई ग्रीन प्लांट सबसे नीचे जो बेस होता है या जो हम कह लें उसको प्रोड्यूसर, जो उत्पादक होगा वो हमेशा कोई ना कोई ग्रीन प्लांट होगा। तो इस केस में क्या होगा, प्रोड्यूसर कौन हो गया, दैट इज द ग्रास, प्रोड्यूसर ग्रास है, जो प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट है उसे हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे गोट क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर जो डिपेंडेंट है उसे कहते हैं हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ह्यूमन क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक श्रृंखला बनती है जिसमें कई सारे जंतु, जीव और जंतु, जीवों का एक श्रृंखला बनता है जिसमें न्यूट्रिएंट यानी कि न्यूट्रिएंट के साथ साथ इसमें ऊर्जा का भी एनर्जी का प्रवाह प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर की ओर होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। और ये क्वेश्चन 381 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इसमें दे रखा है ग्रास, गोट एंड द ह्यूमन, ये तीनों मिला के एक फूड चेन का निर्माण कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 382। क्वेश्चन नंबर 382 में दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज विल हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसका नेचर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करने का, इसीलिए उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये सिकुड़ता फैलता रहता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 382 का, ठीक है। अब क्या है, जिसमें चार ऑप्शंस दे रखा है, जिस पूछा है कि इनमें से किसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है नर्वस टिश्यू, सेकेंड है मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू हो सकता है, तीसरा है बोन टिश्यू, और चौथा है ब्लड टिश्यू। तो इन सब में सबसे जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ऑप्शन टू, दैट इज मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाई जाती है, मस्कुलर टिश्यूज के अंदर जैसे हमारे मसल्स हैं तो मसल्स की ये फाइबर्स होती हैं, इन्हीं के अंदर क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है ये क्या करता है, कई बार ये कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन इसके अंदर होता है, इनके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण ही हमारे अंगों का जो मूवमेंट है, मूवमेंट जो हो पाता है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होने के कारण ही होता है। और किसी भी अंग का जो मूवमेंट हो रहा है वो मसल्स के कारण होता है, मस्कुलर टिश्यूज के कारण होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 382 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है इसके अंदर दो विशेष टाइप के सब्सटेंसेस पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन नाम के दो इसमें सब्सटेंसेस पाई जाती है जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करने में हेल्प करता है, जिसके कारण मसल्स का मूवमेंट होता है, मूवमेंट होने के कारण हमारे अंगों का भी मूवमेंट हो पाता है। तो इसलिए इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 2, दैट इज मसल टिश्यू या पेशी उत्तक। आगे क्यों लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 383 में दे रखा है कि इफ बाई एन अननोन एक्सीडेंट द एसिड सिक्रीटिंग सेल्स ऑफ द स्टोमक वाल ऑफ एन इंडिविजुअल आर डैमेज्ड, डाइजेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल विल बी अफेक्टेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 383 कि हम किसी व्यक्ति के दुर्घटना होने के कारण उसके स्टमक के अंदर जो एसिड रिलीजिंग सिक्रीटिंग जो पार्ट है वो डैमेज हो जा रहा है। तो इसी डैमेज से, जैसे डैमेज होगा तो एसिड का सिक्रीशन स्टमक में नहीं होगा, जब स्टमक में एसिड का सिक्रीशन नहीं होगा तो पूछ रहा कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन ओनली, दूसरा ऑप्शन है लिपिड, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। हम लोगों को पता होना चाहिए, पहले मैं बता दूँ, उत्तर इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन है 1,
क्यों है? क्योंकि स्टमक के अंदर हम देखते हैं कि तीन चीजें पाई जाती है स्टमक के अंदर। स्टमक में एक तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा म्यूकस, और तीसरा क्या, एक एंजाइम होता है दैट इज नोन एज पेप्सिन। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, ये पेप्सिन पहले क्या इनएक्टिव स्टेज में होता है, वो स्टेज होता है क्या पेप्सिनोजेन की, पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब मिलता है तब ये पेप्सिनोजेन एक्टिवेट होता है और ये पेप्सिन बनाता है। और ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है पेप्सिन, ये पेप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब कहा जा रहा है कुछ समय में कि जो ऐसे टिश्यूज स्टमक के जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिड सिक्रेटिंग जो सेल्स है वो डैमेज हो गया, इसका मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना पॉसिबल नहीं है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनेगा तो ये पेप्सिनोजेन एक्टिव नहीं होगा और पेप्सिन भी नहीं बन पाएगा। जब पेप्सिन नहीं बन पाएगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्टमक में सिर्फ एक ही एंजाइम होता है और ये सिर्फ प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन वन, यानी कि प्रोटीन ओनली, क्योंकि इसके अंदर एक ही एंजाइम है पेप्सिन जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नहीं बनने के कारण पेप्सिन एक्टिव नहीं होगा और पेप्सिन एक्टिव नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। आगे के लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 448। क्वेश्चन नंबर 448 में कहा गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, और उसमें पता करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इंजाइम है। तो इसमें मिला के दो चीज़ें दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 448 की बात हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 448 इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंजाइम है। तो ऑप्शन दे रखा है क्या, ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमैटोट्रोपिन एंड द ट्रिप्सिन। ये चार दे रखे, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इंजाइम है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन फोर, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक इंजाइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेनक्रियास के द्वारा लीवर के द्वारा ये सिक्रीट की जाती है। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये होता है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। अब ये जो ऊपर के तीन दे रखे हैं, ग्लूकागोन, ये क्या है, इट इज़ अ हार्मोन एंड इट इज़ सिक्रीटेड बाय, ग्लूकागोन कौन सिक्रीट करता है, तो अल्फा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। इंसुलिन ये भी पेनक्रियाज करता है बट बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर एक स्पेशल टिश्यू है दैट इज कॉल्ड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ग्लूकागोन करता है क्या, ये एक हार्मोन है, ये ग्लूकागोन ये अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। दूसरा दे रखा है इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, ये इट इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पैनक्रियाज के अंदर एक स्पेसिफिक सेल है, ट्रिश्यूज है, दैट इज कॉल्ड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसके थ्रू सिक्रीट होता है, ये बनाता है। और हम सबको पता है कि इंसुलिन क्या है, इंसुलिन के कमी के कारण एक डिजीज होता है, एक रोग होता है मानव में, इसका नाम क्या है, डायबिटीज़। इंसुलिन मुख्य रूप से क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर जो अतिरिक्त ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उस एक्सेस या अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है इंसुलिन। और जिसके कमी से क्या होता है, डायबिटीज रोग हो सकता है। नेक्स्ट देख रखा है इसमें सोमैटोट्रोपिन, इसके स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, सोमैटोट्रोपिन है। सोमैटोट्रोपिन एक ग्रोथ हार्मोन है, ये जो दे रखा है सोमैटोट्रोपिन दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन। ये तीनों क्या है, हार्मोन है। और ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन ये सिक्रीट होते किससे, प्यूटिटरी ग्लैंड जो हमारे हेड के अंदर, ये हेड रीजन में प्यूटिटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसके द्वारा ये स्रवित किए जाते हैं। तो ऑप्शन एक दो तीन तीनों हार्मोन से, और जो चौथा ऑप्शन है ट्रिप्सिन वो क्या है,
इंजाइम है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। आगे क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 454 में कहा गया है कि अमोंग द फॉलोइंग व्हिच इज द ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स अ नेस्ट। इसमें दे रखा है वाइपर, क्रेल, पाइथन एंड द किंग कोबरा। इसका 254 का सही उत्तर होगा ऑप्शन फोर। किंग कोबरा एक ऐसा स्नेक है, ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 258 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 258 में दे रखा है क्या, तो 258 के अंदर क्वेश्चन 458 में दे रखा है क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग। अगर कोई पागल कुत्ता काट ले तो कौन सा डिजीज हो सकता है, तो इसमें सो ये तो बहुत कॉमन है, हम लोग सब जानते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन थ्री इसका आंसर है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया ऑप्शन थ्री क्या है, हाइड्रोफोबिया नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया। ये दो वर्ड से बना हुआ है, हाइड्रो एंड फोबिया। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, जल। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिया मीन्स हेट। इसका मतलब है कि जिसको हाइड्रोफोबिया होता है उसको पानी से डर लगता है। और हाइड्रोफोबिया होता कैसे है, तो कुत्ते के मुंह के अंदर उसके लार में बहुत सारे वायरसेस होती हैं। जैसे कोई कुत्ता काटता है किसी भी मानव को तो उसके अंदर क्या होता है, ये लार के द्वारा वायरस ये छोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण ये बीमारी होती है। तो पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया। और ये ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर चलते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 359। क्वेश्चन 359 में कहा गया है कि द फेनोमेनन ऑफ समर स्लीप बाय एनिमल इज कॉल्ड। तो समर स्लीप को हम लोग कहते हैं क्या, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इज द समर स्लीप। क्वेश्चन नंबर 459 459 में पूछा गया है कि जो समर स्लीप है उसे क्या कहते हैं। तो समर स्लीप को हम लोग कहते हैं क्या, उसका नाम है एस्टिवेशन। समर स्लीप एस्टिवेशन कहलाता है। और दूसरा जो हाइबरनेशन है उसको कहते हैं हम लोग विंटर स्लीप। विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहते हैं, जबकि समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं। जो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन टू करेक्ट होगा। एस्टिवेशन करने का कारण है कि जंतु क्या कहते हैं, अत्यधिक गर्मी होने के कारण अपने शरीर के तापमान को बचाने और डेसिकेशन यानी कि बहुत ज़्यादा उसके वाटर लॉस न हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे वो ये एस्टिवेशन में जाते हैं। ऐसे कोई ज़मीन के नीचे या ऐसे प्लेस में जाते हैं जो डेसिकेशन से उनको बचाया जा सके, अपने आप को बचा सके, और ये अत्यधिक गर्मी के कारण अपने आप को बचाने में कामयाब होते हैं। तो इस जो विधि है या जो प्रोसेस है उस समर स्लीप का, दैट इज कॉल्ड द एस्टिवेशन। और उसी तरह से अत्यधिक जब ठंडी होती है विंटर स्लीप को हम कहते हैं क्या, हाइबरनेशन। तो यह भी पूछा गया समर स्लीप के बारे में, तो समर स्लीप क्या होगा, दैट ऑप्शन संख्या दो, दैट इज द एस्टिवेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 466। क्वेश्चन नंबर 466 इसमें कहा गया है जापानीज इंसेफेलाइटिस इज स्प्रेड बाय। जापानीज इंसेफेलाइटिस एक तरह का ये वायरल डिजीज है जो क्या, मस्क्यूटो यानी कि मच्छर के काटने के कारण ये संक्रमण इसका बढ़ता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर सही उत्तर है, क्योंकि ये कंटामिनेटेड वाटर प्रदूषित जल से ये संक्रमित नहीं होता है, संक्रमण का इसका फैलाव नहीं होता है, एयर के द्वारा भी नहीं होता है, कुत्ते के काटने से भी नहीं। कुत्ता काटने से मैंने देखा कि वो हाइड्रोफोबिया होता है। और जो मच्छर है, मच्छर कुछ मच्छर के काटने से क्या होता है, जापानीज इंसेफेलाइटिस का संक्रमण फैलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मस्क्यूटो, ऑप्शन फोर। आगे की ओर चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 271 में कहा गया है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वायरस इज। वायरस के बारे में कहा गया है, वायरस के क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो पहला ऑप्शन है इट मल्टीप्लाइज ओनली ऑन डेड एनिमल्स। दूसरा है इट मल्टीप्लाइज ओनली ऑन होस्ट। तीसरा है इट लैक्स क्लोरोफिल। और चौथा है इट इज मेड अप ऑफ फैट्स। हमने अभी बात की थी वायरस के बारे में, तो वायरस हमने बताया कि वायरस बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ये मेड किससे बना होता है, सिर्फ दो चीज़ों से बना होता है,
इसके बॉडी क्या होती है, बाहरी आवरण प्रोटीन का बना होता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल में इधर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वायरस हो, वायरस इज ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए और आरएनए। डीएनए या आरएनए कोई दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर लिपिड नहीं होते हैं। जब वायरस किसी शरीर के बाहर होता है तो वो मृत अवस्था में होता है, उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। जैसे ये किसी होस्ट, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवित जीव के अंदर जैसे ये प्रवेश करता है, ये अपना जो जीवित होने का गुण प्रदर्शित करता है और ये बहुत तेज़ी से इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो डेड एनिमल में इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता है। और आंसर इसमें पूछा है कि करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा, बट मोस्ट ऑप्शन, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखा जाए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें दे रखा है कि इट मल्टीप्लाइज ओनली ऑन होस्ट। अभी हमने बात किया है कि वायरस कब मल्टीप्लाई करेगा, ना तो किसी मृत बॉडी के अंदर कर सकता है, ना शरीर किसी भी होस्ट के बाहर कर सकता है। यह जब कभी भी मल्टीप्लाई करेगा तो कोई भी लिविंग होस्ट के अंदर ये मल्टीप्लाई करता है। इस तरह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि वायरस केवल लिविंग होस्ट के अंदर ही अपने लिविंग जो करेक्टरिस्टिक्स उसको शो करता है और ये मल्टीप्लाई करेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 472। क्वेश्चन नंबर 472 में देखे हम लोग, 472 में दे रखा है कि 472 कि द बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड। तो कह रहा है कि बैक्टीरिया के कारण नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो यूजेबल फॉर्म है दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन टू। उत्तर में जो पहले जो आपको पीडीएफ में उत्तर मिली होगी उसमें दे रखा है ऑप्शन वन करेक्ट दे रखा है, लेकिन वो मानवीय भूल के कारण उसको आप उसको अवॉइड करेंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन टू, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है कि जैसे कुछ बैक्टीरिया है, जैसे हम बात करते हैं राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया ऐसा है सॉरी राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है जो प्लांट्स के साथ, जो रूट नोड्यूल्स प्लांट के, जो लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के अंदर ये क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं एसोसिएटेड होते हैं। और ये क्या करेंगे, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, रूट नोड्यूल्स बनाते हैं, रूट नोड्यूल्स सॉरी। और इस रूट नोड्यूल्स के अंदर क्या होगा, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को ये नाइट्राइड्स और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है नाइट्राइड्स नाइट्रेट और अमोनिया जैसे कंपाउंड्स में ये परिवर्तित करेगा, जिसके कारण इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का विभिन्न प्रकार के प्लांट्स के द्वारा, पौधों के द्वारा उपयोग किया जाता है। ये जो एलिमेंट, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इस फॉर्म में कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल इस नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी मैकेनिज्म नहीं है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड, जो ऐसे यूजेबल, जैसे हमारे उपयोगी नाइट्रोजनस कंपाउंड है, जैसे नाइट्रेट्स नाइट्राइड्स और अमोनिया, इनमें परिवर्तित करेगा और इसके बाद ये प्लांट्स के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन टू। आगे क्यों हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 477 में कहा गया है कि एन एंट कैन सी द ऑब्जेक्ट्स ऑल अराउंड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। कह रहा कि एक कोई चींटी है, वो अपने चारों तरफ के चीज़ों को वो आसानी से देख पाता है। तो क्यों देख पाता है, उसका सही रीज़न क्या है। तो इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें आप देखोगे कि पहला ऑप्शन दे रखा है
कि इसमें पहला ऑप्शन है सिंपल आइज, दूसरा दे रखा है आइज ओवर इट्स हेड, इसके ऊपर में इसके हेड पे लगे होते हैं उसकी आँख। थर्ड ऑप्शन दे रखा है वेल डेवलप्ड आइज, और चौथा दे रखा है कंपाउंड आइज। तो इसका सही उत्तर होगा 477 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। क्यों होगा ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। अब इसमें देखो कि कंपाउंड आई, सबसे पहले जानेंगे कंपाउंड आई है क्या। ये तो कंपाउंड आई क्या होता है कि छोटे 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 आईज मिला के एक ग्रुप बनाता है। कंपाउंड आई का जैसे हम लोगों के पास क्या एक ही आँख है, कंपाउंड आई में क्या हो गया ऐसे बहुत सारे आँखें मिल करके एक कंपाउंड सा स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे मिल के कंपाउंड आई का निर्माण करता है। और ये जो कंपाउंड आई जो बनी होती है जिसको एक सिंपल आई, बहुत सारे सिंपल आई मिल करके कंपाउंड आई बनाता है। जैसे आप देखो कि सपोज कोई एक सिंपल आई है तो बहुत सारे सिंपल आई मिल करके एक कंपाउंड आई का निर्माण करते हैं। और ये सिंपल आई, एक जो सिंपल आई है, इस सिंपल आई को हम क्या कहते हैं, ओमेटिड्स कहते हैं। वन सिंपल आई ओमेटिड्स कहा जाता है। ओमेटिड्स किसे कहते हैं हम लोग, एक वन सिंपल आई इज कॉल्ड ओमेटिड्स। इस तरह से बहुत सारे ओमेटिड्स मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड आई कहते हैं। और ये सारे जो ओमेटिड्स या सिंपल आई है ये अपना एक एक इमेज बनाता है, और ये सारे इमेज जब ब्रेन को भेजा जाता है तो सारे इमेज एक साथ ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है, समझता है। और इस तरह से ये क्या करता है, जो ओमेटिड या कंपाउंड आई होने के वजह से ये जो एंट है या चींटी है 360 डिग्री, मतलब ये चारों तरफ की चीज़ों को वो देख सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 4, दैट इज कंपाउंड आई। कंपाउंड आई क्या हुआ, ये कंपाउंड आई बहुत सारे सिंपल आई से मिलके बना होता है, और एक सिंपल आई को हम क्या कहते हैं, ओमेटिड्स कहते हैं। तो ये जो कंपाउंड आई बने होते हैं बहुत सारे ओमेटिड्स से बने होते हैं, और एक ओमेटिड एक इमेज को कैप्चर करता है। और इस तरह से अगर सपोज करो कि 10 ओमेटिड्स है तो 10 अलग अलग इमेज को कैप्चर कर रहा है, लेकिन उसका जो ब्रेन है सभी इमेज को एक साथ जमा करके एक साथ इकट्ठा करके उसको इंटरप्रेट करता है। और इस तरह से बहुत सारे ओमेटिड्स होने के कारण ये 360 डिग्री यानी कि चारों तरफ की चीज़ों की इमेज को प्रॉपरली ये बना पाता है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है 483, क्वेश्चन नंबर 483 में कहा गया है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 483 कह रहा है क्या कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल बाय बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है वो बैक्टीरिया के किस तरह, बैक्टीरिया पर किस तरह से इसका एक्शन होता है, किस प्रकार से इसका कार्य है उसके बारे में। पहला ऑप्शन दे रखा है यह बैक्टीरिया को मार डालता है, किलिंग द बैक्टीरिया। दूसरा ऑप्शन दे रखा है क्या, न्यूट्रलाइजिंग द बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है। तीसरी बात कह रहा है क्या, तीसरा ऑप्शन है ब्लॉकिंग बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। और तीसरा दे रखा, चौथा ऑप्शन इसके अंदर है नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन थ्री क्या होगा, इसका सही उत्तर है। क्यों उत्तर सही है, क्यों, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन के बारे में पहले जान लें हम, पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट दैट इज कॉल्ड फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1900 एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले 1928 में पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज किसने की थी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और पेनिसिलिन को कहाँ से उसने एक्सट्रैक्ट किया था, कहाँ से पाया था, तो एक फंजाई है उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से इसको एक्सट्रैक्ट किया था।
और इस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, इसलिए इसके जो केमिकल इसने एक्सट्रैक्ट किया, जो एंटीबायोटिक बनाया, तो इसी के नाम पर रखा गया, दैट इज कॉल्ड पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन को सबसे पहले किसने बनाया था, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसको बनाया था। अब ये काम कैसे करता है, तो पेनिसिलिन सिर्फ क्या करता है, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के सबसे बाहरी आवरण जो होता है, बाहरी आवरण है वो होता है क्या, जैसे हम इसकी बात करें, बाहरी आवरण ये हो, एक मिनट, नहीं नहीं इसका जो बाहरी आवरण है, एक क्या हो गया, बाहरी आवरण आप समझ लो कि इस तरह के, इसके ऊपर जो बाहरी आवरण बना हुआ है वो क्या, किसका बना होता है, सेल वॉल होता है, ये क्या होता है, सेल वॉल होता है। और इसी सेल वॉल के कारण बैक्टीरिया किसी भी एडवर्स कंडीशन में, ये क्या हमारा बैक्टीरिया का सेल वॉल है, उसी सेल वॉल के कारण बैक्टीरिया किसी भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर पाता है, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर पाता है। अब ये जो पेनिसिलिन है, इस सेल वॉल को क्या करता है, वो ब्रेक करता है, सेल वॉल को बनने से रोकता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक क्या करता है, जो बायोकेमिकल पाथवे है बैक्टीरिया के सेल वॉल को बनने से रोकता है। और जो पहले जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का, इसके अंदर एक खास केमिकल होता है, दैट इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन नाम का केमिकल होता है। अब इसी पेप्टिडोग्लाइकेन के बनने से रोकता है पेनिसिलिन, इस पेप्टिडोग्लाइकेन के बनने से रोकता है, जिसके कारण क्या होता है, सेल वॉल का जो प्रॉपर फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता है, और जिसके कारण सेल वॉल के नहीं बने होने के कारण ये बैक्टीरिया किसी दूसरे दवा से इसको आसानी से किल किया जा सकता है। तो पेनिसिलिन सबसे पहले क्या करता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरियल प्रोसेस का जो सेल वॉल है, सेल वॉल बनाने का जो प्रोसेस है उसे क्या करता है, ब्लॉक करता है, उसको रोकता है। कैसे रोकता है, तो पेनिसिलिन क्या करता है, जो पेप्टिडोग्लाइकेन जो सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है उसको बनाने से रोकता है, जिसके कारण बैक्टीरिया का सेल वॉल पूर्ण रूप से नहीं बन पाता है, और इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, और फिर उसका ग्रोथ धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस तरह से पेनिसिलिन बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने में सहायक होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट उत्तर होगा इसका। तो इसी के साथ हम लोगों ने अभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने विस्तार से समझा है, और जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की गई होगी उसमें कुछ मानवीय भूल हो सकती है, तो इसीलिए हम इस एक्सप्लेनेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वहाँ की जो भूल है उसको सुधारा जा सके। इसी के साथ आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद।